और चलते चलते हम जहाँ पहुँचे घंटाघर के पास, मैंने सोचा यार टाइम देख लेते हैं, शाम का वक्त है, 6 बजे के 7 बजे हैं, लेकिन यह घंटाघर की घड़ी ऊपर लगा जरा, अभी 2 ही भी आ रही है। 50 लाख के करीब अभी पिछले वर्ष या 2 वर्ष पहले रंग बिरंगी लाइटें लगाकर इसको सजाया गया था घंटाघर को, और इसके जो क्लॉक हैं घड़ियाँ जो अंग्रेज़ों के वक्त की हैं इन्हें भी दुरुस्त कराया गया था, ठीक करवाया गया था, लेकिन ये अब थम गई हैं, रुक गई हैं, रफ्तार रुक गई है इसकी। कांग्रेस भी चली गई पंजाब से, अकाली भी चले गए, और अब नई पार्टियाँ आई है आप, और ये अंग्रेज़ों के राज में बना हुआ क्लॉक टावर घंटाघर इस बात की गवाही दे रहा है कि उनके राज में, अंग्रेज़ों के राज में ये कभी घड़ियाँ बंद नहीं हुई थी, लेकिन ये अब बंद हो गई हैं क्योंकि राज हिंदुस्तानी लोगों का है। तो पूछते हैं कितना वक्त हुआ है, कितना टाइम हुआ भाई, कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ है? 6:02 भाई, 6:02 हुए हैं अभी तो, लेकिन ये 2 बजा रही हैं, ये तो 2 बजा रही है। हाँ जी, मैं कह हले तो 2 ही बजे घंटी चा। हाँ 2 बजे है, यानी कि टाइम गलत दसन लग गई है, टाइम जाने के भाई सर्विस का टाइम हो गया था अभी, पर नहीं सर्विस तो होने तो 50 लाख रुपये लगाए इसके सरकार ने, 50 लाख लगे थे तो ठीक है, करप्शन है पूरी भाई, इतना करप्शन है, बेईमानी है, चोर भी आ रही है, बिल्कुल सही गल है भाई, 50 लाख थोड़े होंगे यार, बहुत ज़्यादा ही भाई, ये तो बहुत ज़्यादा पैसा लाया, फिर तो हले 2 बजे तक बंद पी सुई था। हाँ 2 बजे बंद हो गई है, यानी कि टाइम खड़ गया, हूँ खड़ गया, हूँ हाँ टाइम रुक गया, 50 लाख लागन तो बाद भी चली नहीं घड़ी, और देखिए जहाँ पर चलते चलते हमने देखा कि घंटा घर की घड़ी भी रुक गई, अब सरकार तो चल रही है, ऑटो भी चल रहे हैं और पैसे भी चल रहे हैं, पैसे भी दिखाए जा रहे इधर और नीचे, पैसे दिखाए यार, पैसे भी चल रहे हैं, पैसे भी चल रहे हैं, सरकार भी चल रही है, ऑटो भी चल रहे हैं, जब फटे पुराने नोट जहाँ बदले जाते हैं, घंटा घर के नीचे फटे पुराने नोट जो आपके पास हैं, अगर कोई नहीं ले रहा है तो ये ले लेते हैं। तो देखिए जहाँ पर हम चलते चलते देखा, मैंने सोचा टाइम देख लेते हैं, टाइम देखने लगे तो भैया ये 2 ही बजा रही है, और ये घड़ी भी बुढ़े दरिया की तरह, जिस तरह बुढ़े दरिया पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया वो आज तक दुरुस्त नहीं हुआ, उसका जो पोल्यूशन है ख़त्म नहीं हुआ, वो साफ़ नहीं हुआ, इसी तरह घंटाघर पर भी लाखों करोड़ों रुपये लग चुके हैं, लेकिन इसकी घड़ियाँ भी नहीं चली आज तक। चलो नहीं चली तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं यहाँ से, धन्यवाद।